नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के बारे में। सवाल जो बार बार आप कमेंट्स के द्वारा हमसे करते हैं कि मैम आप हमें रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण की तारीख बताते हैं, आप दाखिला शुरू होने की तारीख बताते हैं, दाखिला ख़त्म होने की तारीख बताते हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि सारी सीट्स भरें। अगर कुछ सीट्स खाली रह जाती हैं तो उन पर बच्चों का दाखिला किस प्रकार किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम आप सभी से अपील करना चाहेंगे कि हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम बात करें कि क्या प्रक्रिया होती है अगर कुछ सीट्स खाली रह जाएं दाखिले की आखिरी तारीख के बाद। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम आपको सारी जानकारी केंद्रीय विद्यालय संघ की गाइडलाइंस की मदद से देते हैं। केंद्रीय विद्यालय संघ की गाइडलाइंस आप केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट से ले सकते हैं। आप वहां से गाइडलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल कर आप उसे खुद भी पढ़ सकते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय गाइडलाइंस में एडमिशन फॉर वेकेंट सीट्स यानी कि खाली सीट्स पर दाखिले के बारे में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और वह मैं पढ़ के आपको बताना चाहूंगी। इन केस सीट्स रिमेन वेकेंट आफ्टर 30th June, अगर कुछ सीट्स बच्चों की कुछ एडमिशन पूरे नहीं होते 30 June के बाद भी, एज द केस मे बी, चाहे कोई भी वजह हो, इन द ईयर ऑफ एडमिशन द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द रीजन इज एम्पावर्ड टू अलाउ एडमिशंस। जो उस एरिया का डेप्यूटी कमिश्नर होगा उसे यह शक्ति दी जाती है और उसके पास यह पावर है कि वह आगे दाखिलों को अलाउ करेगा, ओके करेगा कि और दाखिले हो जाए अप टू द प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रेंथ। जितनी कक्षाओं में सीट्स हैं उतनी सीट्स बच्चों की भर जाए 30 June के बाद भी, एज पर द प्रायोरिटीज इन एडमिशन अप टू 31st July। प्राथमिकता के अनुसार 31 July तक डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द रीजन को पावर मिलती है कि वह आगे भी एडमिशंस को अलाउ करे, आगे भी एडमिशंस होने दे। साथ ही एक नोट लिखा हुआ है, एक छोटा सा नोट, इन केस ऑफ एनी इशू रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ एडमिशन गाइडलाइंस। अगर जैसे कि हम गाइडलाइंस को पढ़ते हैं और गाइडलाइंस के मतलब शायद मैं अलग निकालूंगी, कोई और अलग निकाला, अगर कोई ऐसी दुविधा आती है, कोई ऐसी परेशानी आती है, तो कमिश्नर केंद्र विद्यालय संघ का जो डिसीजन होगा वही फाइनल होगा, वही माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर 30 जून तक कुछ सीट्स खाली रह जाती हैं तो उसके बाद भी उन सीट्स को भरा जा सकता है 31 जुलाई तक, और इसकी सारी जो शक्ति है, इसकी जो पावर है, वो डेप्यूटी कमिश्नर उस एरिया के हाथ में होगी कि वह किन की सीट्स आगे, किन बच्चों को आगे एडमिशन देगा और वह प्राथमिकता केंद्रीय विद्यालय में जिन लोगों को मिलती है उसकी बेस पर किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा जो आप बार बार हमसे कर रहे हैं। तो अगली बार फिर मिलते हैं और आपके लिए एक और महत्वपूर्ण विषय लेके आते हैं जिससे केंद्रीय विद्यालय एडमिशन प्रक्रिया आपके लिए थोड़ी सरल हो जाएगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।